ये कहानी है चिड़िया, कोबरा और बाज की। एक बरगद का पेड़ होता है। चिड़िया उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। कुछ दिन बाद वो उसी घोंसले में 4 अंडे देती है। एक दिन जब वो दाने चुगने के लिए बाहर जाती है तो एक कोबरा सांप जो पास के ही एक पेड़ पर रहता था आता है और एक एक करके सारे अंडे को खा जाता है। जब चिड़िया वापस आती है तो अंडे को ना पाकर बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिन बाद वो फिर अंडा देती है, पर इस बार वो सतर्क रहती है। जब भी दाना चुगने जाती है तो दूर नहीं जाती और कुछ ही देर में वापस आ जाती है। सांप कई दिनों से ताक में रहता है पर उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। एक दिन जब चिड़िया दाना चुगने गई तो कोबरा आके घोंसले के ऊपर वाली डाली पर छिपकर बैठ गया और जब चिड़िया दोबारा चुगने गई तो वो अंडे को खा लिया। पर जब तक वो घोंसले से जा पाता तब तक चिड़िया वापस आ गई, पर जब तक उसके सारे अंडे सांप खा चुका था। अब चिड़िया कुछ नहीं बोली और चुपचाप यह देखती रही कि सांप कहां जाता है। उसने जब पक्का पता लगा लिया कि सांप पास के दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता है, फिर वो उड़ी और बाज के पास गई। सांप की सारी बातें बाज को बताई। बाज चिड़िया की बातें सुनकर तुरंत आया और सांप को अपने चुंगल से उठा ले गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है।